Right, so hey fam, it's 7 o'clock back with the another vlog. So guys, आज अपन लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़। आज अपन लोग का प्लान बना छत्तीसगढ़ जाने का। तो अभी अपन लोग रास्ते में हैं एंड अभी यहाँ से जाएंगे अपन लोग पाली और पाली से अपन लोग को 50 किलोमीटर पड़ जाएगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा अगर आप लोग को तो सॉरी यार क्योंकि अपन लोग हाईवे में खड़े हैं ना इसीलिए। एंड आज अपने साथ अपनी बिल्लो भी जा रही है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार आज। तो चलते हैं अभी और देखते हैं कि क्या होता है यार आज मज़ा आएगा। अभी चलते हैं एंड वहीं मिलता हूँ मैं आप लोग को यार पूरा बाल खराब हो गए। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो जैसे अपन लोग यहाँ पर सैला पहुँचे बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया यार और अभी अपन लोग देखते हैं केला वेला सब चीज़ को खाएंगे और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है। अभी देखते हैं चलते हैं बारिश को निकले का नाम नहीं दे रहा है और यार अपन लोग का भी लग रहा है कि अपन लोग बादल के ऊपर हैं बहुत ज़्यादा दूर होने रखा है मेरे भाई पे पड़ी है। एंड चलते हैं फिर बिल्लो पूरी फुल मस्त है आज कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। चलते हैं कैसा लग रहा है गुलशन भाई आज? बहुत ही तगड़ा भाई मज़ा आ रहा है आज बरसात को मज़ा आ रहा है मेरे को। चलो चलते हैं एंड वेट करते हैं थोड़ा पानी रुक जाएगा फिर उसके बाद निकलेंगे एंड अभी अपन लोग को वहाँ जाना है। मतलब देखो यार एक बार मतलब धुंध है यार पूरा उधर मतलब वो जो बादल दिख रहे हैं ना अभी अपन को वहीं जाना है। चलते हैं वेट करते हैं थोड़ा पानी रुक जाएगा फिर निकलते हैं एंड वीडियो को देखना लाइक करना शेयर करना और क्या करना है सब्सक्राइब कर देना आपके इलाका। वीडियो को मेरा शर्ट यहाँ पे सूखा पड़ा है एंड गुलशन का शर्ट यहाँ पे सूखा पड़ा है एंड अपन लोग केला लेके आए थे यार। गुलशन को बोला कि क्या लेने के लिए बोला तू मेरे को समोसा भाई समोसा इसी मतलब देखो आपका बॉडी टेम्परेचर लो गया फिर अचानक से एकदम गर्म गर्म चीज़ खाओगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा आप लोग की बॉडी में तो इसलिए मैंने केला लेने के लिए बोला एंड ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यार मेरे को। मैंने चलते हैं और हाँ मैं एक चीज़ बोल रहा था क्या बोल रहा था और तो अभी तो बारिश उठने का नाम नहीं ले रहा है यार तो अपने को ही आगे जाना पड़ेगा और अभी बाइक मैं नहीं चलाऊंगा बाइक चलाएगा मेरा भाई क्या अभी मेरे में हिम्मत नहीं बच रहा है यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है मेरे को तो यही चलाएगा अभी चलाएगा ना भाई कर भाई तो अभी इसी को चलाना पड़ेगा बाइक बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यार और मैं सोच रहा हूँ यार कि चलते हैं अब निकलते हैं चले अगर बारिश रुकेगा नहीं सही मैं बताऊँ तो और अगर मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँ तो उसके लिए सॉरी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहना यार चैनल में और एक सरप्राइज़ भी आप लोग के लिए एंड वो मैं घर जा के बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है एंड बहुत अच्छी चीज़ है समझ रहे हो ना समझ रहे हो। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसा जाने वाला आज का दिन। और तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है एंड अभी अपन लोग को ऊपर जाना है और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है ये वाला ये आ रहा है ये उधर ऊपर से आ रहा है पानी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है यार अपन लोग को क्या गुलशन भाई मज़ा आ रहा है भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है यार जब आप कहीं जा रहे हो छत्तीसगढ़ में घूमने और मौसम ऐसा हो जाता है फिर एंड अभी आप लोग को बहुत ऊपर चढ़ना है देखते हैं क्या होता है एंड अपन लोग पूरा भीग गए हैं ना भाई अपन लोग पूरा भीग गए यार। एंड हाँ अभी हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा धुंध भी था उधर एंड वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उस चीज़ के लिए एंड सामने से कुछ लोग भी जा रहे हैं तो फाइनली वी आर अराइविंग इन चैतुर एंड यार अभी अपन लोग जा रहे हैं सिंहद्वार की तरफ एंड यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार एंड अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ से अगर आप कहीं भी आ रहे हो बिलासपुर आ रहे हो या फिर कोरबा आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार आके चेकआउट करो एंड ये बहुत अच्छा जगह है यार देखने के लिए घूमने के लिए। और अभी अपन लोग हैं सिंहद्वार की तरफ तो सिंहद्वार दिखा दो
this is the Simhadwar and मैंने बहुत छोड़ा था जब मैं बहुत छोड़ा था तो जब मैं 7-8 साल का था तब आया था तब मेरे से मेरे मम्मी पापा लोग लेके आए थे थोड़ी सी बाइक में अपन लोग आए थे मैं मेरे मम्मी पापा एंड मेरे भाई बहन चले गए इंस्पिरेशन जय बजरंगी जय बजरंगी आई वांट टू से दिस इज द स्पीड तो अगर आप लोग आ रहे हो प्लीज़ एक बार यहाँ भी आना आप लोग आना नहीं यहाँ से आप लोग आओगे तो इसको सिंगार बोलते हैं जो वो वाला है वो सिंगार है नदी के ऊपर चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको पूरा व्यू तो ये कैसा रहने वाला है तो ये रास्ता है अगर आप लोग पूरा भीग है फिर भी आप लोग को ब्लॉगिंग करना है ये पागल है आज के टाइम में So this is the Chhattisgarh. कैसा लग रहा है भाई बहुत ही अच्छा भाई तारीखी को जन्नत बोलते हैं आप सब का अभी एक चीज़ आप लोग को चेकआउट कराते दिस इज द सिंगार एंड यहाँ से ये रास्ता है हम लोग इसी से आए हैं एंड शॉर्टकट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन था सो अपन लोग इधर से नहीं है अपन लोग किधर मेन गेट तरफ है एंड इधर से जाएगा आप लोग का मंदिर एंड इधर क्या है गुलशन भाई इधर आपको बहुत ही अच्छा शानदार प्लेस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा शानदार एज यू कैन सी इधर से जाएगा शंकर गुफा हेलो हेलो माइक चेक इधर अगर आप लोग देख लो इधर से शंकर गुफा जाएगा तो बोर्ड को दिखा दे अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो यार तो यहाँ प्लीज़ कचरा वचरा मत फैलाना बिकॉज दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है एंड उससे देखेंगे अभी नज़ारा एंड आप लोग ड्रोन शॉट मिस मत करें अच्छा सीन लग रहा है यार अभी बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है सो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे
अभी अपन लोग तालाब में यार, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे शायद टूट सकती है। यहाँ पे लिखा है मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोग का है, एंड हम लोग का है। हम लोग का कचरा फलग नहीं है यार। तो दिस इज द गरगज तालाब एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल यार। हाँ, गरगज तालाब बॉडी में लिखा ना भाई, मेरे को कहाँ से पता रहा है। इसको गरगज तालाब बोलते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा भीग चुका हूँ यार, एंड अभी बारिश में अपन लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो अभी अपन लोग यहाँ पूरा घूम चुके हैं, एंड से बहुत ज़्यादा बारिश भी बढ़ रहा है यार। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड आई होप अगर मैं नेक्स्ट बार आऊँगा तो आप लोग को ज़रूर से इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कराऊँगा। सो अभी चलते हैं एंड देखते हैं कितना ज़्यादा। तो कैसा लगा भाई? लेकिन यार बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो इसके चक्कर में अपन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अभी। तो अभी अपन लोग रुकेंगे यहाँ पे एंड इसके बाद चलेंगे। ऑलराइट, सो अभी अपन लोग वहाँ से आ चुके हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार, बट बारिश हो रहा था इसके चक्कर में मैं आप लोग को वहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करा पाया। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता था जो कि मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है। इसको मतलब फ्रेंड नहीं है, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने उसको भेजा है। बहुत अच्छा चीज़ है यार ये, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो चीज़ है ये। सो हम लोग का सर्टिफिकेट आ चुका है यूट्यूब की तरफ से। सो थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार, आप लोग देखते हो पर करते नहीं हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और थैंक यू सो मच, ऐसी सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।